फैंस, दिस इज प्रोफेसर कार्तिक त्रिवेदी वॉचिंग यू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो देख रहे हैं वो 47 देख रहे हैं। आफ्टर एक वीक और दो वीक का भी रेस्ट आ गया बीच में, ठीक है। तो अभी दो वीक रेस्ट के बाद आई फील रिफ्रेश। तो आज हम देखते हैं अभी बच्चों क्या कर रहे हैं। आज हम देख रहे हैं अब रेडिएशन स्टार्ट करने वाले, ठीक है। तो एपिसोड नंबर 1-2 लेके एपिसोड नंबर 46 तक मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर, देन द कंडक्शन ऑफ द हीट ट्रांसफर एंड द हीट एक्सचेंजर ऑफ द हीट ट्रांसफर, ये सारे मैंने 3 चैप्टर्स कवर करे। तो जिन लोगों ने भी वो नहीं देखे, प्लेलिस्ट में जाइए, प्रोफेसर कार्तिक यूट्यूब चैनल पर जाइए, आप एक्टिव प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको एपिसोड नंबर 1 से लेके एपिसोड नंबर 46 तक आपको इंट्रोडक्शन और कंडक्शन पूरा का पूरा और हीट एक्सचेंजर पूरा का पूरा आपको मिलेगा विद एग्जांपल। आपको एपिसोड नंबर 1 से एपिसोड नंबर 46 तक कवर कर लिया है, ठीक है। तो आज से हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो एपिसोड नंबर 47 है, तो ठीक है। तो एपिसोड नंबर 47 से हम रेडिएशन वाला जो पार्ट है वो कवर करने जा रहे हैं और उसके बाद हम कन्वेक्शन वाला पार्ट कवर करेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर रेडिएशन विद एपिसोड नंबर 47, जिसका पहला एपिसोड है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ रेडिएशन। तो आज सबसे पहले हम देखेंगे रेडिएशन क्या होता है। तो रेडिएशन हमें कैसे होता है पहले बच्चों हमको ये समझना है, ठीक है। जो कंडक्शन होता था, कंडक्शन मैंने आपको बताया था कि जब भी कंडक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफर होना है तो दो बॉडीज के बीच में कॉन्टेक्ट होना जरूरी है, ठीक है। तो कॉन्टेक्ट के थ्रू जो हीट ट्रांसफर होता है, या फिर एक ही चीज होनी चाहिए जिसके दो साइड टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए, तो जो हीट ट्रांसफर होता था दैट इज कॉल्ड कंडक्शन, ठीक है। फिर कन्वेक्शन मैंने देखा था कि सरफेस होता है और फ्लूड होता है, तो सरफेस और फ्लूड के बीच जो हीट ट्रांसफर होता है, यानी सरफेस यानी स्टेडी होगा, फ्लूड पास होगा, तो जो भी ज्यादा टेम्परेचर वाला होगा वो दूसरे को हीट ट्रांसफर करेगा, ठीक है। सो हीट ट्रांसफर बिटवीन सरफेस एंड फ्लूड, एंड यू कैन से फ्लूड एंड फ्लूड, एक हॉट फ्लूड होगा और एक कोल्ड फ्लूड होगा, दोनों को मिक्स करोगे तो वो भी जो हीट ट्रांसफर होगा दैट इज कन्वेक्शन। तो कन्वेक्स के लिए आपको सर्फेस और फ्लूड या फिर दोनों फ्लूड चाहिए, ठीक है। पर जो रेडिएशन है बच्चों, उसके लिए आपको किसी चीज का कॉन्टेक्ट नहीं चाहिए। इट कैन हैपन इन अ वैक्यूम ऑल्सो, वैक्यूम यस इट इज हैपन इन अ वैक्यूम ऑल्सो, ठीक है। तो एक ही ऐसा हीट ट्रांसफर है जिसके लिए ना तो कोई फिजिकल मीडियम चाहिए और इसको वैक्यूम में भी हो सकता है, वो होता है रेडिएशन, ठीक है। तो रेडिएशन के थ्रू हीट ट्रांसफर क्या होता है, तो कोई भी चीज होती है, कोई भी चीज, कोई भी बॉडीज या कोई भी सरफेस, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर उसके अंदर से वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करती है, ठीक है। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं वो स्पेस के अंदर ट्रैवल करते हैं। अब क्या होगा कि जो बॉडी है उसे पर्टिकुलर टेम्परेचर के एट पर्टिकुलर टेम्परेचर उसने अपने अंदर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोड्यूस करे, ठीक है, वो स्पेस के अंदर ट्रैवल करेंगे। अब क्या करेगा, जो दूसरी सरफेस हो गए उसके ऊपर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा, ठीक है। अब ये जो दूसरी सरफेस है वो जिस सरफेस ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस किए उसके कंपेरिजन में इसका टेम्परेचर स्लो, इसका टेम्परेचर है वो लो है, ठीक है। तो जैसे ही वो दूसरी सरफेस की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इसके ऊपर स्ट्राइक हो गए तो उसमें से वो थोड़े से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या पूरे के पूरे, वो डिपेंड करता है वो कैसी बॉडी है, ठीक है, वो एब्जॉर्ब करेगा। तो जैसे दूसरी बॉडी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एब्जॉर्ब करेगी तो जो वेव्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उसको वो अपने अंदर थर्मल एनर्जी के अंदर स्टोर करेगा तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है। तो क्या हो रहा है बच्चों, दो बॉडी है उसमें से एट अ पर्टिकुलर बॉडी, अब इसमें क्या होता है, आप एग्जांपल लेते हैं, चलो एक बॉडी वो हाई टेम्परेचर वाली बॉडी है और एक बॉडी वो लोअर टेम्परेचर वाली बॉडी है, ठीक है। तो हाई टेम्परेचर वाली बॉडी से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होना स्टार्ट हुए, ठीक है। तो वो वेव ट्रैवल करेंगे स्पेस के अंदर, वो स्ट्राइक होंगे लोअर टेम्परेचर वाली बॉडी के अंदर, ठीक है। तो वो एब्जॉर्ब करेगा, तो वो एब्जॉर्ब करेगा तो उसके अंदर हीट ट्रांसफर होगा। तो बच्चों आप बोलेंगे कि सर क्या इसमें ऐसा होता है कि हाई टेम्परेचर वाले जो बॉडी होती है वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करती है तो लोअर टेम्परेचर वाली बॉडी होगी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस नहीं करेगी? नहीं बच्चों, दोनों बॉडी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करेगी, लेकिन जो हाई टेम्परेचर वाली बॉडी होगी ना उसकी प्रायोरिटी ये होगी कि वो अपने अंदर से ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करे क्योंकि इट इज एट अ हाई टेम्परेचर। और जो लोअर बॉडी वाली होगी उसकी प्रायोरिटी ये होगी कि वो एब्जॉर्ब करे बिकॉज इट इज एट अ लोअर टेम्परेचर कंपेयर टू दैट हाई टेम्परेचर बॉडी, ठीक है। जब उन दोनों के बीच की बात हो रही है तो वो इस तरीके से प्रायोरिटी होगी कि जो हायर वाला होगा ना वो प्रोड्यूस करने की प्रायोरिटी रखेगा और जो लोअर वाला होगा वो एब्जॉर्ब करने की प्रायोरिटी रखेगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है सिस्टम हमेशा थर्मल इक्विलिब्रियम में आने का ट्राई करती है, ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो हाई टेम्परेचर वाली बॉडी है वही सिर्फ प्रोड्यूस करेगी, वो एब्जॉर्ब भी कर सकती है, और जो लोअर टेम्परेचर वाली बॉडी ऐसा नहीं कि सिर्फ एब्जॉर्ब करेगी, वो भी प्रोड्यूस कर सकती है। पर जब आप दो बॉडी के कंपैरिजन में या दो सरफेस के कंपैरिजन में लेते हो तो तब जो चीज आती है वो प्रायोरिटी की आती है, तो दो सिस्टम अपने स्टेडी यानी इक्विलिब्रियम स्टेट में आने का ट्राई करती है, ठीक है, समझ में आ गया। सो इसका हम बेसिक एग्जांपल देखते हैं कि सन और अर्थ देखते हो, तो सन के अंदर से जो रेज आते हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आते हैं वो कहां पे होते हैं, अर्थ के ऊपर स्ट्राइक होते हैं। तो इसी तरीके से सन से थ्रू अर्थ की सरफेस होती है वो गर्म होती है, ठीक है। तो इस तरीके से जो ट्रांसफर हुआ दैट इज कॉल्ड रेडिएशन। एग्जांपल आपको समझ में आ रहा है बच्चों, इसमें कोई कॉन्टेक्ट की जरूरत नहीं है, इट इज हैपन थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड इट कैन आल्सो हैपन इन द वैक्यूम, ठीक है।
तो वैक्यूम के अंदर भी हो सकता है, ठीक है। ओके डन, सो लेट्स स्टार्ट अवर फर्स्ट डेफिनेशन, दैट इज फर्स्ट चीज है रेडिएशन, जो मैंने आपको अभी समझाया, ठीक है। तो अभी अब जो दूसरे जो कंसेप्ट समझने हैं उसके लिए हमें पहले ये फिगर समझनी होगी। तो मैंने यहाँ पे एक सिंपल से एक बॉडी लेकर रखी हुई है, आप जो देख रहे हो दैट इज सिंपल, दिस सिंपल बॉडी, बॉडी या फिर कोई सरफेस ले लो। अब यहाँ पे कोई रेडिएशन आ रहा है इसके ऊपर, जिसको मैं बोल रहा हूँ इंसिडेंट रेडिएशन, ठीक है बच्चों। इंसिडेंट रेडिएशन यानी जो भी इनकमिंग रेडिएशन है जो उस बॉडी के ऊपर स्ट्राइक हो रहा है, दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट रेडिएशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंसिडेंट रेडिएशन है इसके ऊपर स्ट्राइक हो रहा है, जिसको मैंने नाम दिया है कैपिटल जी। ये जो आप देख रहे हो कैपिटल जी, कैपिटल जी यानी उसके ऊपर जो इनकमिंग रेडिएशन आ रहा है वो। अब ये जो रेडिएशन आएगा उसमें से थ्री पॉसिबिलिटी होगी बच्चों, उसमें से जो 100% आएगा उसमें से कुछ रेज हो गए, उसमें से कुछ रेडिएशन होगा, वो क्या कर देगा, वो बॉडी उसको रिफ्लेक्ट कर देगी, ठीक है। सो आउट ऑफ टोटल रेडिएशन सम ऑफ देम विल बी रिफ्लेक्टेड लाइक दिस, तो इसको बोला मैंने रिफ्लेक्टेड रेडिएशन, जिसका मैंने सिंबल दिया है जीआर। उसी तरीके से ये जो रेडिएशन है उसमें से कुछ रेडिएशन ऐसे हो गए कि जो बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगे, तो ये बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो गए, तो ये जो एब्जॉर्ब हो गए रेडिएशन है इसको मैंने बोला एब्जॉर्ब रेडिएशन, जिसको मैंने नाम दिया है जीए, ठीक है। और कुछ रेडिएशन ऐसे होंगे कि जो ट्रांसमिटेड हो जाएंगे ना उसके आर पार निकल जाएंगे, इस तरीके से पूरे के पूरे बॉडी उसको निकाल ही देगी बाहर, इस तरीके से ट्रांसमिटेड हो जाएगी, तो उसको बोला जाता है ट्रांसमिटेड रेडिएशन, जिसका नाम मैंने दिया है जीटी। समझ में आ रहा है? तो जब भी बॉडी के ऊपर रेडिएशन स्ट्राइक होगा तो देयर विल बी अ लाइक दिस, कि आउट ऑफ टोटल एनर्जी सम ऑफ देम विल बी रिफ्लेक्टेड, सम ऑफ देम विल बी एब्जॉर्ब इन द बॉडी एंड सम ऑफ देम विल बी द ट्रांसमिटेड। तो अब इसको मैं एनर्जी बैलेंस लगाऊं तो मैं क्या लिख सकता हूं, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू एब्जॉर्ब एनर्जी प्लस रिफ्लेक्टेड एनर्जी प्लस ट्रांसमिटेड एनर्जी, यानी जी इज इक्वल टू जी ए प्लस जी आर प्लस जी टी। अब मैं क्या करता हूं, पूरे के पूरे टर्म को, सारे के टर्म को मैं जी से डिवाइड करता हूं, तो इसको जी से डिवाइड करो तो ये वन हो जाएगा, इसको हो जाएगा जी ए अपॉन जी, ये हो जाएगा जी आर अपॉन जी, और ये हो जाएगा जी टी अपॉन जी, ठीक है। तो अब ये जो बच्चों टर्म आया उसको बोलते हैं अल्फा, ये जो टर्म आया उसको बोलते हैं रो, और ये जो टर्म आया उसको बोलते हैं टाउ। ये चीज है क्या, तो ये जी ए अपॉन जी है उसको बोलते हैं अल्फा, अल्फा का मतलब होता है एब्जॉर्प्टिविटी, ठीक है। तो वो पता है किसी कोई भी बॉडी हो कितना एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी वो उसको बताता है, उसको एब्जॉर्प्टिविटी बोलते हैं, यानी अल्फा इज इक्वल टू जी ए अपॉन जी, यानी एनर्जी एब्जॉर्ब अपॉन टोटल एनर्जी, क्या थी टोटल एनर्जी था ना, तो इट इज द रेशियो ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब अपॉन टोटल एनर्जी, इसको बोलते हैं अल्फा, जिसका बोला जाता है एब्जॉर्प्टिविटी। उसी तरीके से जी आर अपॉन जी, तो इसको बोलते हैं रो यानी रिफ्लेक्टिविटी, तो क्या बोलते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ एनर्जी रिफ्लेक्टेड अपॉन टोटल एनर्जी, ठीक है बच्चों। इसी तरीके से टाउ, टाउ क्या होता है, जीटी अपॉन जी, यानी इट इज द रेशियो ऑफ एनर्जी ट्रांसमिटेड अपॉन टोटल एनर्जी, इसको बोला जाता है टाउ। तो हमारे पास जो इक्वेशन है उसको बोला जाता है अल्फा प्लस रो प्लस टाउ इज इक्वल टू वन, यानी एब्जॉर्प्टिविटी प्लस रिफ्लेक्टिविटी प्लस ट्रांसमिटिविटी इक्वल टू वन, ठीक है बच्चों। तो अब देखते हैं और एक डेफिनेशन ब्लैक बॉडी का, ब्लैक बॉडी क्या बोलते हैं, तो ब्लैक बॉडी यानी ऐसी बॉडी कि जो जिसके ऊपर आप जो भी रेज यानी भेजोगे उसके ऊपर जो भी रेडिएशन भेजोगे वो 100% उसको एब्जॉर्ब कर देगा, ठीक है। तो उस बॉडी को बोला जाता है ब्लैक बॉडी, यानी 100% एब्जॉर्ब करेगा, तो उसके लिए एब्जॉर्प्टिविटी क्या होगी, वन हो जाएगी। तो एब्जॉर्प्टिविटी ब्लैक बॉडी के लिए क्या होती है, वन। अब ये वन हो गई, अल्फा इज इक्वल टू वन है, तो इस दोनों को क्या होना पड़ेगा, जीरो, यानी उसके लिए रो और टाउ क्या होता है, जीरो, ठीक है बच्चों। इसीलिए हम समर में बोलते हैं कि समर के अंदर आप ब्लैक कलर के कपड़े मत पहने, क्योंकि उसमें आपको ज्यादा गर्मी लगती है, ठीक है। उसी तरीके से आता है बच्चों व्हाइट बॉडी, व्हाइट बॉडी क्या होता है, व्हाइट बॉडी ऐसी होती है कि जो 100% जो भी आप रेडिएशन डालोगे ना उसको 100% रिफ्लेक्ट कर देगी वो। तो व्हाइट बॉडी ऐसी बॉडी है जो 100% रेडिएशन को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, तो उसके लिए रो इज इक्वल टू क्या होता है, वन। तो ये अल्फा और टाउ क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। इसलिए बोलते हैं बच्चों के ब्लैक समर के अंदर आप व्हाइट कलर के कपड़े पहने, क्योंकि उसमें आपको गर्मी कम लगती है, क्योंकि वो रेडिएशन कम एब्जॉर्ब करेगा, जो भी आएगा उसको रिफ्लेक्ट कर देगा, ठीक है। और एक चीज मैं आपको बोल देता हूं कि 100% ब्लैक बॉडी कभी भी पॉसिबल नहीं है, इट इज अ कंसेप्ट। हाँ, आपको 99% ब्लैक बॉडी मिल सकती है, बट इन रियल कंडीशन द 100% ब्लैक बॉडी इज नॉट पॉसिबल। देयर आर सम एग्जांपल के जो 99% ब्लैक बॉडी है, जैसे कि मिल्क है, जैसे कि व्हाइट पेपर है, ठीक है। दिस आर दी सम एग्जांपल, या किसी भी चीज हो जिसको आप लैम्प ब्लैक कलर से कोटेड करें, तो दिस आर दी सम एग्जांपल ऑफ ब्लैक बॉडी। इन रियल कंडीशन 100% ब्लैक बॉडी इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, इट इज जस्ट अ कंसेप्ट। उसी तरीके से आती है ओपेक बॉडी। ओपेक बॉडी यानी क्या करेगी, ओपेक बॉडी ऐसी होगी कि आप उसके अंदर जो भी रेस डालो उसको ट्रांसमिट नहीं होने देगी, यानी उसके आर पार से नहीं निकल जाएगा, जो भी होगा वो आइदर एब्जॉर्ब होगा या फिर रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। तो ओपेक बॉडी यानी वो है जिसके लिए ट्रांसमिटिविटी क्या होता है, जीरो। तो ट्रांसमिटिविटी यहाँ पर जीरो लिखो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस रो इज इक्वल टू वन, ठीक है बच्चों। अब आएगा ग्रे बॉडी। ग्रे बॉडी किसे कहते हैं, ग्रे बॉडी उस चीज को बोलते हैं
कि जिसकी एब्जॉर्प्टिविटी टेम्परेचर और वेवलेंथ के साथ नहीं चेंज होती। देखो अब ये जो एब्जॉर्प्टिविटी होगी ना बच्चों, वो टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करती है और वेवलेंथ के ऊपर भी डिपेंड करती है। तो जिस चीज की एब्जॉर्प्टिविटी टेम्परेचर और वेवलेंथ के बदलने से नहीं बदलेगी, समझ में आ रहा है, जिसका कॉन्स्टेंट रहेगा, उस अल्फा विल डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर और वेवलेंथ, उस बॉडी को हम ग्रे बॉडी देखेंगे। ठीक है, सो इन रियल कंडीशन आपको ग्रे बॉडी दिखेगी। ग्रे बॉडी के अंदर क्या होता है, उसका अल्फा होता है वो 0 to 1 के बीच में होता है। ठीक है, अब आता है कलर्ड बॉडी, तो इसका ऑपोजिट है, जिसकी एब्जॉर्प्टिविटी चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू वेवलेंथ, उसको बोलते हैं कलर्ड बॉडी। ठीक है बच्चों, और एक चीज आती है इंपॉर्टेंट, जिसको बोला जाता है इमिसिविटी, जिसका सिंबल होता है एप्सिलॉन। ठीक है, तो इसको बोला जाता है इट इज रेशियो। ई क्या है, इमिसिव पावर। इमिसिव पावर यानी कोई भी बॉडी अपने के अंदर से कितना इलेक्ट्रोमैग्नेटिव प्रोड्यूस करती है उसको उसका इमिसिव पावर बोला जाता है। ठीक है, तो एमिसिविटी यानी इट इज द रेशियो ऑफ इमिसिव पावर ऑफ अ बॉडी अपॉन इमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी। क्यों इसको ब्लैक बॉडी से कंपेयर करते हैं, क्योंकि ब्लैक बॉडी होती ना उसमें बच्चों में एजम करते हैं कि वो जितने भी रेडिएशन है वो 100% एब्जॉर्ब भी करती है और 100% वो रेडिएशन को एमिट भी करती है। ठीक है, तो ब्लैक बॉडी के लिए बच्चों आप याद रख ले, उसके लिए अल्फा यानी एब्जॉर्प्टिविटी भी 1 होती है और उसके लिए इमिसिव पावर यानी ईबी, इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी इज इक्वल टू क्या लेते हैं, 1 लेते हैं, ये याद रखना है। यानी ईबी इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, 1 अगर ब्लैक बॉडी होगी। ठीक है, क्योंकि किसी भी चीज है, अगर किसी भी चीज का हमें एमिसिविटी ढूंढनी है तो उसका जो इमिसिव पावर है उसको हमेशा हम ब्लैक पावर के से कंपेयर करेंगे इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी से। ठीक है, क्योंकि ब्लैक बॉडी की इमिसिविटी यानी ईबी इमिसिव पावर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है बच्चों, तो एमिसिविटी इज इक्वल टू इमिसिव पावर ऑफ बॉडी अपॉन इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। आपको हमेशा याद रखना है इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी ऑलवेज 1 होता है। ठीक है, ओके डन बच्चों। अब हम देखेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो रेगुलर हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन समझे, तो ये क्या देख रहे हो बच्चों, ये आप जो देख रहे हो वो एक सरफेस है। ठीक है, और ये जो लिया है मैंने परपेंडिकुलर लाइन ली, इस सरफेस से परपेंडिकुलर लाइन ली है। अब यहां से एक जो रेडिएशन है वो यहां पे आ रहा है। ठीक है, फिर वो रिफ्लेक्ट होके यहां से निकल जा रहा है। तो अब ये देखो जो ये आ रहा है उसने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया वो भी थीटा है, और जो रिफ्लेक्ट हुआ उसने भी नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया यानी थीटा है। तो रेगुलर जो आ रहा है उसका नॉर्मल के साथ एंगल और जो जा रहा है उसका नॉर्मल के साथ एंगल, दोनों का एंगल कैसा है सेम। तो जब ऐसा होगा तो उसको बोला जाएगा रेगुलर रिफ्लेक्शन। ये कहां पे होता है, वो ये होता है हाईली पॉलिश्ड और स्मूथ सरफेस में ही होता है। इन रियल कंडीशन जो होता है रिफ्लेक्शन वो रेगुलर और डिफ्यूज दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, अब डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो ये लिया मैंने सरफेस, ठीक है, और ये ली परपेंडिकुलर लाइन। अब ये जो आ रहा है ये जो है इनकमिंग रिफ्लेक्शन, ठीक है, इनकमिंग रेडिएशन है। तो ये इनकमिंग रेडिएशन है, उसमें से जो ये बाकी के सारे रेडिएशन है वो क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब ये देखो इसका तो नॉर्मल के साथ एंगल थीटा है, लेकिन इसका और इसका इसका दोनों का सेम नहीं। आप देखो नॉर्मल ये जो इनकमिंग है उसने नॉर्मल के साथ एंगल थीटा बनाया, लेकिन बाकी के जो रेडिएशन है उसका एंगल सेम नहीं है। तो उस रिफ्लेक्शन को बोला जाता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये कहां पे होता है, रफ सरफेस पे। तो आप जब भी देखोगे कोई भी चीज का रिफ्लेक्शन होगा, कोई भी सरफेस होगी उस पे जो भी रेडिएशन आएगा और रिफ्लेक्ट होगा तो जो भी होगा वो रेगुलर डिफ्यूज दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो रेगुलर के अंदर इनकमिंग और रिफ्लेक्टेड दोनों का नॉर्मल के साथ एंगल सेम होगा, डिफ्यूज के अंदर वो सेम नहीं होता है। ठीक है, और डिफ्यूज जो रिफ्लेक्शन होता है वो रफ सरफेस के अंदर होता है। तो हम ज्यादातर जो क्राइटेरिया लेंगे वो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के ही लेंगे बच्चों। आई होप बच्चों आपको ये लेक्चर पसंद आएगा, इसमें हमने कंसेप्ट ऑफ रेडिएशन कवर करे, अब नेक्स्ट में हम रेडिएशन के लॉज देखेंगे। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, आपके दोस्तों को बताएं। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।